अस्सलाम वालेकुम। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद आप सब लोग खुश खुरम होंगे और अल्लाह तबरक व तआला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। इस क्लास में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ऑलरेडी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी जनरेट की हुई है, ताकि आपको पता चले कि एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट किस तरह से बनता है और प्रोजेक्ट की कौन सी फाइल्स इंपॉर्टेंट्स होती हैं और प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या होता है और प्रोजेक्ट के आउटपुट एग्जीक्यूशन किस तरह से होती हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में बता दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम खुद अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। ओके, ठीक है। तो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन में आप देखो, कोड व्यू हम देखेंगे, डिजाइन व्यू देखेंगे, प्रोजेक्ट्स की फाइल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हाउ टू रन प्रोजेक्ट ये हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पर आता हूँ। जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर आएंगे, ये सब कुछ मैंने क्लोज करके रखा हुआ है। इससे पहले जो हमने क्लास को डिस्कस किया था, उस क्लास के अंदर हमने सारे फीचर्स को खोल दिया था और सारे फीचर्स को खोल के समझाया था मैंने, ठीक है। अब मैंने फिर से वो सारे फीचर्स हाइड कर दिए हैं। अब क्या होगा कि ये फीचर्स मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है माई न्यू कैलकुलेटर, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सब को डिस्कस करने से पहले मैं आउटपुट पर आऊंगा। आउटपुट पर आकर देखो, मैंने एम्यूलेटर चला दिया है। ये देख रहे हो एंड्रॉयड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 554 नेक्सस 5 API 2x86 ये एम्यूलेटर है हमारा, जो कि मोबाइल की तरह ही काम करता है। ऐसा समझो कि हमारे पास एक मोबाइल फोन है, इसके अंदर मेरी एंड्रॉइड। मैं क्या करूंगा कि मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा वन टाइम, तो मेरे पास मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पर बेतहाशा एप्लीकेशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है। लेकिन मैंने जो एप्लीकेशंस बनाई थी उसका आइकन कुछ इस तरह था। आइकन ये हम अपना भी दे सकते हैं, इसे हम आइकन कहते हैं। जिस भी एप्लीकेशन का थोड़ा आइकन होगा वो देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी एप्लीकेशन है। जैसा कि म्यूजिक की, मैसेजिंग की, गैलरी की और सेटिंग की, ठीक है, कैमरा की, ब्राउजिंग की, कैलकुलेटर की, इस तरह से मैंने एक जस्ट सिंपल एप्लीकेशन बनाई है ना, इसको मैंने फिलहाल कोई आइकन नहीं दिया, ठीक है। बेसिक लेवल पर इसके ऊपर मैं वन टाइम क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर वन टाइम क्लिक किया तो मेरे सामने ये जो है ना एग्जीक्यूट होकर चला आएगा। इसका देखो मेन टाइटल जो है ना माय न्यू कैलकुलेटर, और यहाँ पर इसका जो है ना सेटिंग का स्टेटस है, लेकिन सेटिंग में मैंने कुछ भी नहीं दिया इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। ओके, और यहाँ पर मैंने जस्ट टाइप किया है द वैल्यू इज, अगर वन पर क्लिक करूँगा तो फिर उस मैसेज के ऊपर आ जाएगा योर टोटल इज वन। फिर से क्लिक करूँगा 2 3 4, मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसमें नंबरिंग को काउंट करता जाएगा, नंबर काउंटर बनाया है ऐसे ही समझो, ठीक है। फिर नंबर काउंटिंग के साथ पीछे में जाऊंगा, मिसाल के तौर पर अगर आप दुरुद पढ़ रहे हो तो फिर पढ़ते जाओ और इसको क्लिक करते जाओ, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे पे आ रहे हो, इसके ऊपर मैं रीसेट का बटन भी सेट कर सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी जो है ना एडिटिंग हो सकती है इस जो है ना स्मॉल एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये सब्सट्रैक्ट होते जाएंगे और बेतहाशा एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एम्यूलेटर को वन टाइम यहाँ पर क्लिक करूंगा तो एम्यूलेटर मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ये प्रोजेक्ट किस तरह से बना हुआ है और इस प्रोजेक्ट को किस तरह से जनरेट कर एग्जीक्यूट किया गया है। प्रोजेक्ट की बात चल रही है तो मैं प्रोजेक्ट के कंसोल पर आऊंगा, वन टाइम क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट का कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो माय न्यू कैलकुलेटर जो कि इसकी जो है ना क्या कह रहा है, सोर्स लोकेशन बता रहा है कि यूजर एशियन कंप्यूटर से एंड्रॉयड स्टूडियो प्लेटफॉर्म के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर माय न्यू कैलकुलेटर का एक वर्क स्पेस बना हुआ है। ये डॉट देख रहे हो, इसको जब हम डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हिडन जो फाइल्स होंगी वो एक्सट्रैक्ट होकर मेरे सामने आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं अपने माउस के एरो को पॉइंट करूंगा ग्रेडल के ऊपर, ग्रेडल के अंदर देखें लोडिंग हो रही है कुछ फाइल्स, देखें जैसा कि
टास्क आर्किटेक्ट्स, कैसे प्रॉपर्टीज, कैसे ये ग्रेडल के अंदर हमें टास्क आर्टिफैक्ट्स के स्टेटस का बताएगा, जैसा कि हमें बताएगा कि कैसे की प्रॉपर्टीज कितनी हो गई है और हमने कितनी मेमोरीज को यूज किया है और इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, 2.4 का ग्रेडल इस माय न्यू कैलकुलेटर के अंदर चल रहा है। अब आइडिया के अंदर आएंगे, कॉपीराइट, कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो प्रोफाइल सेटिंग में एग्जाम्पल की फाइल है जहाँ पर हम कॉपीराइट को दे सकते हैं। फिलहाल मैंने इसका कोई कॉपीराइट नहीं बनाया अपने जो है ना माय न्यू कैलकुलेटर के एप्स का। ओके, जब मैं कॉपीराइट बनाऊंगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम जनरेट करते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर एग्जाम्पल के एप कॉम्पैक्ट वर्जन 7.22 और सपोर्टेड, ये सारे लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी फंक्शंस, क्लासेस, मेथड्स हैं वो कॉल किए गए हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसा कि मैंने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि आपको एग्जाम्पल आना चाहिए, आपको जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर कुछ एग्जाम्पल की फाइल्स थी जिसके अंदर हमारे कुछ मेन मेथड्स थे, उनके डेफिनेशंस थी, नेम और कंपाइलर। कंपाइलर हमारा ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, और जो कि एरर होंगे वो भी हमें कंपाइल करके देता है। एनकोडिंग्स में क्या होता है कि जो हमारी कोडिंग होती है उन कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी, डीबग होगा, उसे दूर करके देगा। ग्रेडल्स, ग्रेडल का भी मैंने आपको बता दिया, मस्क और मॉड्यूल्स, रन कॉन्फ़िगरेशंस, वॉइसेस और वर्क स्पेस, ये सारी फाइल्स हमारी आइडिया के, सॉरी, ये सारी फाइल्स हमारे लाइब्रेरीज में आ जाती हैं। ये सारी लाइब्रेरीज हैं, इन सारे लाइब्रेरीज के फंक्शंस को हम कॉल कर अपने एप्स को बनाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट ऑटो जो है ना सर्च कर हमें दे देता है, उसका नाम हमें रिक्वायर्ड होगा, वो नाम हम ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी डेफिनेशंस लाइब्रेरीज की बनी हुई है ना यहाँ पर, और ये आइडिया के अंदर थे कॉपीराइट एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, अब जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो डिपेंड करेगा एप्स के अंदर। ठीक है, एप्स के अंदर बिल्ड का फोल्डर होगा, लैब्स का फोल्डर होगा, लाइब्रेरीज का फोल्डर होगा और सोर्स का फोल्डर होगा। सोर्स का मतलब, कहने का मतलब है कि ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट फाइल्स जहाँ पर डिजाइन व्यू, कोड व्यू और जहाँ पर हमने अपने इस प्रोजेक्ट की, इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की कोडिंग की है वहाँ पर हमारे सोर्स मेन फोल्डर होगा हमारा। ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स होते हैं वो कॉल करके हम बनाते हैं, और बिल्ड्स के अंदर कुछ बिल्ट इन जो है ना हमारे क्या कहते हैं कि फंक्शंस होते हैं वो हम कॉल करते हैं। एनीवे, आते हैं फोल्डर के ऊपर। एंड्रॉयड टेस्ट, एंड्रॉयड टेस्ट एक फोल्डर है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड टेस्ट को के अंदर भी जो है ना हमारी एप्लीकेशन टेस्टेड एप्लीकेशन पड़ी होगी, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एंड्रॉयड टेस्ट होती है। ओके, अब हम मेन इंपॉर्टेंट सोर्स फोल्डर के अंदर दो फोल्डर हैं, एक एंड्रॉयड टेस्ट है, दूसरा है मेन। जो हमारा मेन फोल्डर है इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट माय कैलकुलेटर बना हुआ है। ये सारी अटैचमेंट जो फाइल इसके साथ हैं ये इसके क्या कहते हैं कि सपोर्टिंग फाइल्स हैं जो कि इस एप्लीकेशन को चला रही हैं। ठीक है, इन सारी सपोर्टिंग फाइल्स एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर रहकर हमने एक प्रोजेक्ट जनरेट किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कोक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो के अंदर एक पूरे का पूरा स्टूडियो बना होता है, म्यूजिशियंस होते हैं वहाँ पर और एक कंप्लीट सेटअप बना हुआ होता है हमारे पास। तो जस्ट सिंगर आता है कोई भी, जैसा कि आतिफ असलम आ गया, वो आकर सिंगिंग करना शुरू कर देता है एक बने बनाए प्लेटफॉर्म पर। मैं भी आपको ये बता दूं कि एंड्रॉयड का एक कंप्लीट स्टूडियो हमारे पास बना हुआ है और इस स्टूडियो के अंदर हमारे पास कंप्लीट टूल्स हैं, हमारे पास कंप्लीट जो है ना फीचर्स हैं, हमारे पास कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इन आवर एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, जस्ट हम क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन, एक फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल के अंदर हम सोर्स कोड को लिखेंगे, फिर हमारी उन सारे एप्लीकेशंस को जो है ना वो सारा हमारी एक कंप्लीट एप्स बन जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आतिफ असलम आकर सॉन्ग
गाएगा, ठीक है। जब वो सॉन्ग गाकर कंप्लीट करेगा तो उसका एक कंप्लीट सॉन्ग बन जाएगा कोक स्टूडियो के अंदर, ठीक है। हम भी सेम एक फाइल को टारगेट करेंगे, उस फाइल के अंदर कोड एडिटिंग करेंगे, जब कोड एडिटिंग को सेव करेंगे फिर हम जो है ना एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बस ये है कि इसकी जो है ना साइड वाली एप्लीकेशंस हैं वो हमें सपोर्टिंग सपोर्ट करेंगी, ठीक है। मैं मेन मेन्यू पर आ रहा हूँ, मेन मेन्यू के अंदर जावा की फाइल होगी और जावा के फोल्डर में जावा की फाइल होगी और रिसोर्स के फोल्डर में हमारी सोर्स फाइल होंगी, जैसा कि हमारा ड्राइवर, लेआउट, मेन्यू बार, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था माई न्यू कैलकुलेटर, वो हमारा मेन्यू बार था। और ये देखें, मैं शुरू से करता हूँ, यहाँ से हमारा रिसोर्सेज के फोल्डर को मैंने ओपन किया, रिसोर्सेज के फोल्डर को ड्रॉएबल हमारा है, इस फोल्डर के अंदर लेआउट है। अगर इसके साइड में कोई डाउट होगा कि इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लेआउट क्यों किया, तो मेरे पास .xml की एक फाइल आ गई, सही है। हमारी मेन टारगेटिंग फाइल ये होगी, जैसा कि आतिफ असलम का माइक मेन टारगेटिंग पॉइंट होगा, हमारी मेन टारगेटिंग फाइल होगी लेआउट के अंदर, ओके, और जावा के अंदर, सही है। ये फाइल हो गई और मेन्यू के अंदर सही है, मेन्यू के अंदर हम देखेंगे फाइल मेन्यू मेन, और इसके अंदर हमारी इमेजेस होंगी, जैसा कि हमारा इमेज कौन सा था, मिप एच डी, मिप मैप एच डी पी आई, एक्चुअली ये स्टैंड फॉर है हमारा मिनिमम मैप फाइल, जिसके अंदर हमारे पास आई सी लॉन्चर डॉट पी एन जी नाम की एक फाइल पड़ी हुई है, जो कि हमारा इमेज है, वो हमारा इमेज है हाई डेफिनेशन पिक्सल का, ठीक है। ये इमेज इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि हमारा आइकन नहीं था, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे आइकन हैं आउटपुट स्क्रीन में। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था ये ट्यूटोरियल, ये क्लास स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने आपको आउटपुट दिखाया था अपने इस माय न्यू कैलकुलेटर का, तो उसके अंदर एक इमेज थी ना, आइकन इमेज, वो हमारी जो है ना हाई डेफिनेशन पिक्सल्स में, लेकिन ये जो है ना मीडियम डेफिनेशन पिक्सल्स, स्टैंड फॉर मिप मैप। मिप मैप बेसिकली क्या है, मिप मैप के अंदर भी हमारी एक इमेज पड़ी हुई है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारे चार फोल्डर्स हैं, इन चार फोल्डर्स में इमेजेस रखे गए हैं उनके क्वालिटी के बिहाव पर, जैसा कि क्वालिटी है मीडियम डेफिनेशन, एक्स्ट्रा हाई डेफिनेशन, एक्स्ट्रा एक्सटेंसिबल हाई डेफिनेशन पिक्सल्स, ये उसकी इमेज की क्वालिटी के हिसाब से इसके फोल्डर के अंदर इमेजेस हमारे रखे गए हैं, ओके। और वैल्यूज के अंदर, वैल्यूज के अंदर हमारे पास जितनी भी फाइल्स हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसा कि स्टाइल के अंदर फिलहाल मैंने कोई स्टाइल ऐड नहीं किया अपने एप्लीकेशन में। स्टाइल्स अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आपने किया होगा हमारे computerpakistan.com से, तो आपको पता चलता है कि स्टाइल्स हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की भी स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होगी, उसका बैकग्राउंड किस तरह से होना चाहिए, उसके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, उसके जो है ना डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाए एप्लीकेशन की, वो स्टाइल्स में आ जाते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि हम जो टेक्स्ट अप्लाई करते हैं वो स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं, डमीज में, डायमेंस में, हमारे कुछ डायमेंशंस, फाइल की डायमेंशंस होती हैं, ओके। और वैल्यू डायमेंशंस, डायमेंशंस एग्जाम्पली वैल्यूज हैं, और एंड्रॉयड मेन एग्जाम्पल फाइल है गेट इग्नोर एब बिल्ड ग्रेडल और प्रो ग्रेजुएट फाइल्स हैं, ठीक है। और बिल्ड ग्रेड फिर से
लेकिन हमारी जो फाइल फोकसिंग पॉइंट फाइल होगी, ये सारे सपोर्टिंग में इसके साथ आ जाती हैं, ये सारे की सारी फाइल्स, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ये सब कुछ इसके साथ जो है ना, हमारे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आप जहन में रख लो, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे तो फिर इस प्रोजेक्ट की डिस्कशन में वो आ जाएगा। ये सारे फोल्डर्स आपने देख लिए, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल फाइल को। मेरी मेन एग्जाम्पल एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल फाइल को डबल क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये इसका सोर्स कोड ओपन होकर सामने आ जाएगा, ये देखो डिजाइन व्यू, मेरे पास डिजाइन व्यू आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, मेरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू में आउटपुट में इसका देख सकता हूँ, ओके। और एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट एग्जाम्पल, इसका सोर्स कोड मेरे सामने यहाँ पर आ गया। ये एग्जाम्पल की फाइल है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये यहाँ पर मेन एक्टिविटी फाइल हो गई यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने बटन दो बटन बनाए हुए हैं, एक बटन ये है, ठीक है, और एक बटन ये है। इस बटन का नाम है एड वन और इस बटन का नाम है सब स्ट्रेक्ट वन, ठीक है। और जो मेरा टेक्स्ट है, द वैल्यू इज जीरो, वो मेरा टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू के अंदर है, द वैल्यू इज जीरो, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं जावा की फाइल पर, ओके। तो जावा की एप्लीकेशन पर जाने से पहले हमने इसका टेक्स्ट व्यू देख लिया, सही है। टेक्स्ट व्यू में हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है इसका, और टेक्स्ट व्यू में कोड सोर्स कोड आ रहा है हमारे पास, कौन सी फाइल का, एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल का, ठीक है। अब मैं बॉटम में डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो डिज़ाइन के व्यू में हमारे पास तीन डिफरेंट व्यूज आ गए। एक तो कंपोनेंट ट्रीज आ गया एट माय लेफ्ट हैंड साइड, एट मिडल साइड हमारा मेन मोबाइल प्रीव्यू आ गया, और एट द लेफ्ट हैंड साइड प्लेटी प्लेट पैलेट पैलेट आ गया, और इन पैलेट में लेआउट, विडगेट और बेतहाशा हमारे पास फीचर्स हैं, जैसा कि कंटेनर्स, टास्क फील्ड्स, कंटेनर्स और डेट एंड टाइम एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये कस्टम्स, ये सारे के सारे फीचर्स हमारे प्लेट के सेक्शंस में आ गए डिज़ाइन व्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो नेक्सस 4 और एप थीम मेन एक्टिविटी और एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन 22 आईडी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये वर्जन है इसका। और यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज बार आ रही है, जैसे जब मैं एड वन के ऊपर क्लिक करूँगा तो एड वन की प्रॉपर्टी बार आ जाएगी, प्रॉपर्टीज खुलकर सामने आ जाएंगी, और अगर मैं सब वन पर क्लिक करूँगा तो सब वन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। कंपोनेंट ट्रीज में देखो बटन मैंने कौन सा क्लिक किया हुआ है, सब वन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एड वन पर, एड वन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो बी एड बटन एट माई लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ओके। फिर से मैं आता हूँ सब वन पर और इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखना तो जो है ना कंपोनेंट ट्री में बटन मूव हो रहा है सब वन पर, ठीक है। ये दोनों ओके के बट सॉरी इन्हों का एग्जांपल है ओके वाला, लेकिन इन्हों के ऊपर मैंने वैल्यू कौन सी रखी हुई है, सब वन एंड एड वन, ठीक है। और एक टेक्स्ट है जिसका टीवी डिस्प्ले मैंने नाम रखा हुआ है, उसको कोड देकर, ठीक है, सही है। अब इसकी द वैल्यू इज जीरो, इसकी प्रॉपर्टी सामने खुलकर सामने आ गई, ओके। ये सारे फीचर्स थे इसके, और डिज़ाइन व्यू आपने देख लिया, टेक्स्ट व्यू आपने देख लिया। अब हम इसको हाइड करते हैं और जावा को ओपन करते हैं, और जावा की मेन एक्टिविटी फाइल को मैं ओपन करता हूँ। जावा की मेन एक्टिविटी फाइल में आप देखो ये मेरे सामने खुलकर सामने आ गई। यहाँ पर प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट बंडल, ये हमारे एक मेथड ऑन क्रिएट एक मेथड आ गया, ठीक है।
जिसके अंदर जैसे ही मैं बटन के ऊपर ऑन करें, जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो वन ऐड हो जाए। ठीक है, ये मैंने ऐड की क्लास ओपन की हुई यहाँ पर और ये मैंने सब की क्लास यहाँ पर ओपन की हुई। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल्स ले लिए, काउंटर वेरिएबल ले लिया। अब मैं उसका जो है ना मेन एक्टिविटी जो फाइल थी, जैसा कि मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता जा रहा था तो वन वन ऐड होता जा रहा था, और मैं सब वन के बटन पर क्लिक कर रहा था तो फिर एक एक माइनस होता जा रहा था। ये फाइल मैंने किस तरह से बनाई हुई है, ये एक मैंने मेथड कॉल किया है ऑन क्रिएट का। ठीक है, सही, जिसकी मैंने बॉडी को ओपन कर यहाँ पर क्लोज कर दिया। बिल्कुल, ये सिलेक्टेड एरो है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी क्लोज कहाँ पर हो रही है, बॉडी मेरी इस ऑन क्रिएट मेथड की बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों लाइंस हाईलाइटेड हो गई। ओके, इसके अंदर सुपर डॉट एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है सुपर नाम से, और उसको ऑन क्रिएट एक मेथड में जो है ना सेव्ड इंटेंस स्टेट, ये मेथड मैंने कॉल करवाया बंडल। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू एक्टिविटी मेन। ठीक है, कंटेंट्स जो मेरे हैं एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल, ये जो है ना एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल फाइल को मैं कंटेंट उसके व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, उसका लेआउट व्यू कर रहा हूँ कौन से मेथड से, सेट कंटेंट व्यू के मेथड से मैं क्या व्यू कर रहा हूँ, सॉरी मैं क्या व्यू कर रहा हूँ, लेआउट ऑफ एक्टिविटी मेन। ठीक है, अब इसके अंदर ऑन क्रिएट मेथड के बॉडी के अंदर मैंने पांच वेरिएबल लिए हुए टोटल, एक दो तीन, काउंटर एड सब और डिस्प्ले। काउंटर में मैंने स्टोर वैल्यू कितनी की है, जीरो। ठीक है, और क्योंकि आपको तो बिगिनिंग लेवल पर तो आ रही होगी ना जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको मैं डिफाइन नहीं करा। ऐड के अंदर मैंने बटन को स्टोर किया है और सब के अंदर भी मैंने बटन को स्टोर किया है, लेकिन मैं कौन सी आईडी को कॉल कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी में से, मैं आईडी को कॉल कर रहा हूँ बी ऐड, ये आईडी एंड्रॉयड की मैंने बटन के अंदर इस आईडी को कॉल कर रहा हूँ ऐड में, और सब्सट्रैक्ट में मैं कौन सी आईडी को कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ आईडी, ये वाली आईडी, इस आईडी को कॉल कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ऐड वेरिएबल को मैंने बटन स्टोर कराया, लेकिन वहां पर मैं आईडी कॉल कर रहा हूँ बी ऐड, और सब के अंदर मैं आईडी कॉल कर रहा हूँ बी सब। ओके, और डिस्प्ले के अंदर मैं टेक्स्ट व्यू जो है ना मैंने टेक्स्ट व्यू का टैग इसको दे दिया, इसमें इसको जो है ना मैंने बटन का टैग दे दिया, मैन एग्जाम्पल के फाइल में बटन का टैग मैंने दे दिया, टेक्स्ट व्यू का बटन मैंने दे दिया, ये तीन बटन मैंने ऐड कर दिए इनमें, और इसमें फाइंड व्यू आईडी बाय टीवी डिस्प्ले कि जो मैंने इसको आईडी दी थी वो वाली आईडी देगा। ठीक है, टीवी डिस्प्ले वाली आईडी, ये चारों हो गए। अब देखो ऐड के अंदर सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पर जैसे ही मैं सेट ऑन क्लिक जैसे ही क्लिक हो ऐड के ऊपर तो क्या करे, काउंटर जो वेरिएबल है मेरा, जो मेरा वेरिएबल काउंटर है उसमें वन ऐड कर दे, क्योंकि जीरो में ऐड करेगा वन तो वन होगा, फिर उसको डिस्प्ले करे, ये काउंटर से हम इसको कॉल कर रहे हैं वेरिएबल को, इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, डिस्प्ले क्या करेगा, सेट टेक्स्ट योर टेक्स्ट इज वन, सही, और फिर से अगर क्लिक करूंगा तो फिर से वन के अंदर एक और वन ऐड कर देगा, क्योंकि हमारी करंट वैल्यू होगी वन तो वन के अंदर एक और वैल्यू वन कर देगा तो फिर ये दो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम लाइक दैट सब के जो है ना वेरिएबल के अंदर सेट क्लिक लिसनर, ठीक है, उसके अंदर माइनस वन करेगा, जो कि करंट वैल्यू होगी उससे माइनस करता जाएगा। ओके, इस तरह से मेन एक्टिविटी जावा की फाइल और ये फाइल हमारी काम करेंगे, मेन एक्टिविटी मेन एग्जाम्पल फाइल। ये हमारा जो हम टेक्स्ट जितना भी
जो है ना करंट आउटपुट होगा ये उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो हम उसके अंदर जो है ना मेन एग्जामल एक्टिविटी मेन एग्जामल की फाइल के अंदर जितने भी व्यूज हैं हमारे उसके अंदर मेन एक्टिविटी फाइल के जावा की प्रोग्रामिंग का हम प्रोग्रामिंग करेंगे। दो फाइल्स हैं, एक एग्जामल है, एग्जामल में हम कंटेंट्स को डिस्प्ले करेंगे, एक्टिविटी को डिस्प्ले करेंगे जस्ट लाइक दैट, द वैल्यू इज जीरो, बटन वन, बटन टू, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। उस प्रोग्रामिंग में हम उसके अंदर लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। लॉजिक इंप्लीमेंट कौन सी की है? लॉजिक ये की है कि ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो वन ऐड होगा, अगर सब्सट्रैक्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो माइनस होगा वन। क्लियर? ये हमारी कंप्लीट एक एप्लीकेशन बन गई। उस कंप्लीट एप्लीकेशन को भी मैंने एग्जीक्यूट करके आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे और वो एप्लीकेशन नेक्स्ट टॉपिक के लिए होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।